सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, वैसे मौन रहना भी किसी समाधान से कम नहीं। आज का पंचांग 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्ष नामक नक्षत्र रात्रि 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:29 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार। आध्यात्मिक मामले अभी आपके दिमाग में है, आप कुछ जवाबों को ढूंढ रहे हैं और अपने सपने या और चेतना को खोज रही हैं। बुजुर्गों को नजरअंदाज न करें, यह समझने या समझे कि स्वास्थ्य आपके और आपके शरीर के बीच का हिस्सा, शरीर के बीच का रिश्ता है। तर्क या मतभेद आपके रिश्ते को हानि पहुंचा सकते हैं। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहती हैं, उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी न होने दें। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। कुछ दिन व्यस्तता पूर्ण रहेगा, सफलता मिलने से थकान दूर भी हो जाएगी। आपकी बोलचाल तथा जीवन शैली से लोग प्रभावित होंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संपन्न होंगे। घर में भी आध्यात्मिक और सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। लोगों का साथ प्राप्त होने के बाद भी दिक्कत रहेगी, इस कारण आपसे जुड़े लोगों को आपके लिए और आपको उनके लिए नाराजगी महसूस हो सकती है। सेहत संबंधित चिंता बढ़ने की संभावना है, सेहत पर ध्यान देते रहें। तनाव का असर सेहत पर ना हो इस बात का खास ध्यान रखना होगा। पैसों के कारण अटके हुए काम को आगे बढ़ाना मुश्किल लगेगा। इस काम को पूरी तरह से बिल्कुल ना छोड़ें, फिलहाल अन्य बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्टनर की नाराजगी को समझने की कोशिश करें, साथ में अपने पक्ष को भी उनके सामने रखना जरूरी होगा। सावधानियां। विद्यार्थी लोग मौज मस्ती में पढ़कर अपनी पढ़ाई से किसी भी तरह का समझौता ना करें। समय की कीमत को अवश्य पहचानें। उचित समय पर काम न करने से आपको नुकसान ही होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी में घर की व्यवस्था सुखद बनाए रखने में आपसे सामंजस्य होना जरूरी है। प्रेम संबंध मधुर भी रहेंगे। किसी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और आप इस खूबसूरत रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आने वाले समय में आपको रोमांटिक पल व यौन सुख प्राप्त होंगे। मन से हर तरह के भय को बाहर निकाल दें। धन खर्च करते समय सावधान रहें, क्योंकि घाटा हो सकता है। आप रोमांस में माहिर हैं, फिर चाहे वो कुछ नया सीखने की चाह हो या प्यार में रत होना, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बस अपने दोस्त की बातों को सुनें और उन्हें समझें। आप दोनों इस गुलाबी और प्रणयशील माहौल में एक खास रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके लिए दिन को उल्लासपूर्ण बना देगा। बात करते हैं करियर की। आज दीर्घकालीन निवेश ना करें, आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उचित है। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजें। दान करने या नॉन प्रॉफिट संगठनों के साथ काम करने में भी आपकी रुचि हो सकती है। आज आपका अधिकांश समय घर के मामलों में व्यतीत होगा। आप उन वित्तीय निवेशों और अनुमानों में शामिल हो सकते हैं। नए कार्य को करने से पहले उसका अच्छे से अध्ययन करें ताकि कोई परेशानी ना हो।
नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो अपने सहकर्मियों से सलाह लें, जो भी करें सोच समझकर और पूरा दिल लगाकर करें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा परंतु ज्यादा थकान की वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है। ध्यान रखें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।